गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो पिछले 6-7 दिनों में जो भी चीज़ें हुई हैं ना दोस्तों, मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा बुरा टाइम था। एंड मैं दुआ करूँगा कि जितने भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे थे, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोगों की ज़िंदगी में ना कभी भी ऐसे दिन आपको देखने को ना मिले। खैर दोस्तों, जो हो गया वो हो गया, अब इसके पीछे तो हम कुछ कर नहीं सकते। कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग लेते हैं स्वाद, वो आप लोगों को अच्छी तरह से पता ही है। तो मासी की लड़की की शादी थी फिलहाल, वहाँ पे भी मैं नहीं जा पाया, तो मैं अभी जस्ट जा रहा हूँ पठानकोट, क्योंकि एजेंसी से कॉल आया था कि गाड़ी जो है ना वो लगभग तैयार हो चुकी है। तो अपने साथ कुछ दोस्त हैं, कुछ भाई हैं पीछे बैठे हुए 2-3, तो इन्हीं की गाड़ी लेके ना फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ पठानकोट ना दोस्तों। सुजुकी वाले की एजेंसी पर अभी पहुँच चुकी है। एक्चुअली भाई का ना थोड़ा सा शीशा क्रैक हुआ था, तो ऐसे में भाई इन्होंने इंश्योरेंस करवाई अपनी गाड़ी की, तो इसका क्लेम जो वो यहाँ पे मतलब इनको मिल जाएगा, सारा का सारा काम फ्री में हो जाएगा। आप में से भी बड़े लोग पूछ रहे थे कि रही भाई क्या आपने अपनी गाड़ी इंश्योरेंस में नहीं करवाई थी क्या। तो आपको बता दूं यार, देखो इंसान जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ता है, जैसे जैसे उसको ठोकरें पड़ती हैं ना, वैसे वैसे वो सारी की सारी चीज़ें सीखता है। तो मेरे को भी सच में बताऊँ तो नहीं पता था कि भाई थर्ड पार्टी क्या होती है, मतलब कौन सी इंश्योरेंस कैसी होती है। बस मेरे को ये था कि भाई इंश्योरेंस की है डीलर ने, बस इतना ही काफ़ी है, ज़रूरी है चलान से बचने के लिए। लेकिन अब पता चला कि इंश्योरेंस करवानी चाहिए, और साथ ही साथ मैं गाड़ी मेरे को टो करके लवानी पड़ी थी, तो उसका भी पूरा का पूरा खर्चा जो मुझे देना पड़ा, तो उसमें भी मुझे पता चला कि कुछ मतलब आर ए आर कुछ ऐसे बोलते हैं ना, मतलब उनका भी करवाना पड़ता है। तो सारी चीज़ें टाइम और हालात जो अपने आप सिखाते जाता है, और ख़ासकर मैं तो शुक्रिया करूँगा उस ऊपर वाले का कि मेरे को ज़िंदगी में जितनी चीज़ें भाई डे पर डे सीखने को मिल रही है ना, वो शायद से भाई कोई इंसान सीख पाएगा। हमने दोस्तों इन वाले भाई साहब का काम तो हो गया है डन, लेकिन अभी हम देख सकते हैं बाहर बारिश बहुत ज़्यादा लग पड़ी है पठानकोट में ना, और काफ़ी दिनों के बाद भाई गर्मी से थोड़ा ठंडी ठंडी का एहसास हो रहा है। अभी जस्ट मैं भी पहुंच चुका हूँ जहाँ पे कि मैंने गाड़ी लगाई थी काम करने के लिए। चलो जाके देखते हैं कि गाड़ी रेडी हुई है या फिर नहीं हुई। चलो ये गुड न्यूज़ मिली है कि गाड़ी जो है ना प्रॉपर रेडी हो चुकी है। तो चलो अभी मैं आपको जाके पहले तो गाड़ी दिखा लेता हूँ। तो ये देखिए जिस तरह की होगी पूरी की पूरी गाड़ी, मतलब अभी पूरा पता बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा कि गाड़ी ठुकी थी या नहीं ठुकी थी। सारी की सारी चीज़ें जो वो वापस से वैसी की वैसी सेट कर दी गई हैं। बस बोन को खोल के और अंदर से एक बार चेक कर लेते हैं। तो गाड़ी को ना दोस्तों अभी हमने अच्छी तरह से चेक कर लिया है, तो मेरे हिसाब से तो गाड़ी जो लगभग ठीक चल रही है, इंजन कोई आवाज़ नहीं कर रहा और पूरी की पूरी चीज़ें सही चल रही हैं। आई होप कि आगे भी ऐसी चलती रहे। तो अभी दोस्तों एक चीज़ जो सही नहीं चल रही है कि काफ़ी टाइम से ना दोस्तों मतलब सुबह से खाना खाया नहीं है, तो अभी पहले तो खाना खा लेते हैं कहीं ना कहीं। खाना खाने के बाद ना दोस्तों अब टाइम है घर जाने का वापस भरमौर। एंड यहाँ से ना 6-7 घंटों का रास्ता जो है कुल मिला के हमें पहुँचते पहुँचते रात तो हो जाएगी। एंड ना दोस्तों ये कपड़े जो है ना, मैं मतलब आप मानेंगे नहीं, पिछले मैं एक हफ्ते से यही पहन के रखा हूँ, और मुँह देख के ऐसे लग रहा है ना जैसे मुँह धोया ना हो। तो ऐसी कंडीशन अगर घर में जाकर घर वालों ने देख ली ना, तो बहुत गुस्सा करेंगे कि क्या हालत बना के रखी है। तो कपड़े मेरे जो थे ना वो कार में ही पड़े थे, क्योंकि उस टाइम जब मैं कार काम करवाने के लिए लगा गया था ना भाई, तो वापस तो फिर कुछ ऐसा था आपको पता है कि मैं कार तक आ ही नहीं पाया। तो अभी बैग मिल गए, वहाँ से कपड़े निकालते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मासी जी का कॉल आया था कि बोलते हैं चलो शादी जो है वो तो लगभग ख़त्म ही हो गई है, बट वहाँ पे आ जाना एक बार, बैठ जाना, थोड़ा बहुत देख लेना। मैंने कहा चलो कोई नहीं, वैसा कर लेते हैं। तो अभी कहीं अच्छी जगह रुकते हैं और वहाँ थोड़े कपड़े उपड़े चेंज करते हैं। उल्टी जैसा मन हो रहा था ना दोस्तों, तो ऐसे में पापड़ और नमक मैंने थोड़ा सा खरीद लिया, और बाहर आप देख सकते हो अपने पहाड़ों के नज़ारे, हर तरफ हरियाली हरियाली छाई हुई है। ऐसे में ना भाई सही लग रहा है, पूरा का पूरा खट्टा खट्टा पापड़ नमक और साथ में ऐसा ऐसा प्यारा व्यू। शाम के ना दोस्तों हम लोग 5 बजने को आ गए हैं, एंड मैं चंबा पहुंच चुका हूं, और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा होलिया जो है ना अभी चेंज कर लिया मैंने, शूज़ से लेकर सारी की सारी चीज़ें, और कुछ इस तरह से घर में जाऊंगा। एंड ना दोस्तों एक चीज़ आपको दिखा देता हूं, अभी जो मैंने शर्ट पहनी हुई थी, ये शर्ट ली थी मैंने सिद्धू भाई की, और भाई सही बताऊँ ना आज से ठीक एक हफ्ता पहले ली थी। उसके बाद मैं लाइफ में बहुत से चेंज हो गए, और सच बताऊँ तो एक चीज़ से यहाँ से सीखी है मैंने कि कभी भी ऐसा कुछ हो आपकी लाइफ में तो अपनी फैमिली के लिए ये चीज़ हमेशा याद रखना। बड़े लोग ना मुझे पता है कमेंट बॉक्स में कि ये बोलते हैं कि तू किसकी सपोर्ट कर रहा है भाई, वो बंदा गैंगस्टर था, खुद ये था वो था। अब देखो मुझे ना उसकी पर्सनल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है, मेरे को नहीं जज करना है कि वो कैसा था क्या करता था। बट हाँ एक चीज़ है, बंदे में बहुत अच्छा दम था और बहुत अच्छे गाने लिखता था, और ख़ासकर आपने जो इंस्टाग्राम के ऊपर इतने ज़्यादा गाने जो है ना दोस्तों वो पूरे के पूरे टैग कर दिए, वैसे मैं शुक्रिया। अभी गाड़ी में तो 24x7 अपना सिद्धू भाई बजता रहता है, और हमेशा से बजता
ही रहेगा, मैं तो फुल सपोर्ट करूंगा भाई, बस मेरा ऐसा कहना है। बाकी ना दोस्तों शाम के लगभग 7:30 बज जाएंगे, 8 भी बज सकते हैं घर पहुंचने में, क्योंकि चंबा से आगे का जो रोड है ना अभी तो मतलब लगभग सही हो गया यार, लगभग रोड आप देखो गाड़ी जो है ना आप दौड़ते हुए जाती है, मतलब भरमौर अगर आप आना चाहते हो तो आप वो वाला भरमौर नहीं रहा जो रिस्की है, बट बीच बीच में अभी सड़क का काम चल रहा है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा आने वाले शायद कुछ सालों में, जो वो हो सकता है कि आपको मतलब अपनी जैसे मर्जी आप बस लेके आ जाओ फिर कोई इशू नहीं है, तो ऐसे में होम स्टे भी अभी दिमाग से गया नहीं है, बस उसी के ऊपर जाके काम करेंगे हम लोग। बस एक बार मासी के यहाँ पे जाके आता हूँ, थोड़ा सा उनको भी थोड़ा फेस दिखा के आता हूँ कि हाँ भाई सब कुछ ठीक ठाक है। मैं जब जब भी घर जाता हूँ ना दोस्तों भरमौर से कम कोई 20 या 25 किलोमीटर आपको यहाँ पे एक नेचुरल वाटर मिलेगा, मतलब पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर से ना। और दोस्तों सही बताऊँ आपको तो इतना ठंडा पानी यहाँ पे होता है ना कि हर कोई रुकता है यार, मतलब आप समझो हर कोई रुक जाता है यहाँ पे आके, और भाई बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें जो है ना वो भरमौर में फिर आपको आगे देखने को मिलती हैं। एंड आप लोगों को अपनी सोच बताऊँ तो मैंने तो ऐसा सोच रखा है कि आप जैसे आपको पता है रोड जो डे पड़े यहाँ पे सही होते जा रहे हैं, तो इतना प्यारा हमारा भरमौर है, ऐसे मैंने दोस्तों यहाँ पे टूरिज्म नहीं है, अगर टूरिज्म आ जाता है ना यहाँ पे तो ट्रस्ट मी कि यहाँ के जितने भी लोकल लोग हैं जितने भी लड़के हैं उनको बाहर भटकने की जरूरत नहीं है कि यार हमें जॉब करनी कहीं जाके या कुछ करना है, मतलब एक बार टूरिज्म यहाँ को खींच जाए ना भाई तो बहुत इनकम सोर्स हो जाएगा यहाँ के लोगों के लिए भी, और उन लोगों के लिए भी भाई जो आना चाहते हैं इन पहाड़ों में। और सामने देखिए वो दिख रहे हैं कैलाश पर्वत के, वहाँ से दर्शन हो रहे हैं जहाँ पे की मैं गया था, यहाँ से प्रथम दर्शन हो रहे हैं। तो जो भी लोग आना चाहते हैं दोस्तों इन पहाड़ों में फील लेना चाहते हैं, मतलब क्या नहीं है यहाँ पे देखने को, तो ये एक मेरा सोच है आपसे और एक सपना है, पता नहीं दोस्तों सपना तो पूरा होगा या नहीं होगा, लेकिन शुरुआत मैंने कर दी आज से कि यहाँ पे ना टूरिज्म खींचूंगा अकेला ही। अभी दोस्तों फिलहाल अपनी गाड़ी में यहाँ पे डीजल भरवा रहा हूँ, और मतलब आपको पता है आजकल कौन से जरूर जरूर हाँ ली मैंने बिल्कुल ऑलरेडी दिखाई है, तो ये भी बोल रहे हैं कि वहाँ पे कैलाश की तरफ कैमरा की जाए क्योंकि अभी ना बड़े क्लियर और बड़े प्यारे दर्शन हो रहे हैं, बैक साइड में आपको मैं दिखा रहा था। तो ऐसा है दोस्तों कि अभी फिलहाल डीजल जो है ना वो कम चल रहा है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि यार फुल मत कराओ कोई भी, 1500 का सब डलवा लो ताकि जिनको भी नीड है उनका जो पूरा का पूरा काम है वो भी हो जाए, और काफ़ी अच्छी थिंकिंग भी लगी मुझे। अभी शादी वाले घर दोस्तों कुल मिला के मैं जा पहुँचा हूँ, और ये बैठे हैं मासी जी एंड मामी जी सारे के सारे लोग, एंड ना दोस्तों मतलब बारात जो वो कल आ गई थी और आज पजेकी जाती है साथ में, तो वो लोग भी वापस हो गए। अभी ना दोस्तों मासी की लड़की की जहाँ पे शादी थी उस शादी वाले घर में गया था, लेकिन वहाँ पे आपको पता है वही चीज़ें हो रही है, मतलब कैसे हुआ क्या हुआ उसको ये वो ना, मतलब आपको पता है भाई गाँव का माहौल कैसा होता है, तो वहाँ पे कम से कम मैं 15 से 20 मिनट बड़ी मुश्किल से बैठ पाया, ऊपर से भले ही मेरे बारे में कोई बुरा ना बोल रहा हो मेरे अपने में से हो, बट ऐसी बात जब कोई करता है तो आपको पता है ना बहुत हर्ट होता है, एक गांव वाला बंदा ही अच्छी तरह से समझ सकता है कि ऐसी ऐसी कंडीशन में गांव में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब कर क्या सकते हैं, सिंपल घर को जाता हूँ, तो अभी मम्मी वगैरह दीक्षु वगैरह तो वहीं पर है, सोलो ही घर को जाता हूँ, थोड़ा सा मूड यार आपको पता है वो चलता रहता है और चलता भी रहेगा है ना, तो खैर बोल क्या सकते हैं, हमेशा सब के सब लोग खुश रहें। तो अभी फिलहाल खड़ा हूँ रोड के साइड में, बाकी सारे दोस्त जो वो तो चले गए उनको छोड़ दिया मैंने, कहा आप लोग जाओ भाई यही है भाई, धीरे धीरे अब चलते रहेंगे ड्राइव करते रहेंगे और पहुंच जाएंगे घर। तो अभी दोस्तों घर पहुंच चुका हूं मैं, और आज पूरे के पूरे घर में ना भाई अकेला हूं, तो कोशिश करता हूं एक सोने की। एक्चुअली जहां पे शादी में मैं गया था वहां से क्यों भाग के आ गया, मतलब ना लोग कुछ भी बातें बना देते हैं यार, कोई बंदा ड्रिंक करके बोल रहा था कि तूने कल्चर के बारे में गलत कहा है, मैंने कहा भाई मेरे को पूरी वीडियो खोल के बताओ और मेरे को बता कि मैंने अपने कल्चर के बारे में कब गलत कहा है यार, उल्टा मैं जितना अपना कल्चर को प्रमोट करता हूँ ना भाई लोगों के सामने और जा जाके लोगों को बताता हूँ वो चीज़ खैर छोड़ नहीं सकते, कुछ लोग ही वैसे जिनको कुछ पॉइंट चाहिए है ना। अब मेरी बात करो तो मेरी तो यार आप DP तक देख लो भाई यूट्यूब की, उसमें भी आपको पहाड़ी कल्चर जो देखने को मिल जाएगा, मेरा अपना गद्दी कल्चर जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सर, ऐसी ऐसी चीज़ें जो भी फैलाते हैं ना, तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे मन में कोई हेट नहीं है अपने कल्चर को लेकर, अगर नहीं होती या मैं हेट होती तो शायद से मैं यहाँ पे रहता भी नहीं यहाँ से भाग जाता, बट छोड़ो किसी की बातों से क्या करना है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ ना कि देखो लाइफ में ऐसी ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी होती रहती है, आप लोग मानो अब थोड़ा सी गलती ये होगी कि हम इन चीज़ों को पब्लिकली ले आए, जो कि मैं भी मानता हूँ कि मेरी भी उसमें बहुत बड़ी गलती थी। अब दोस्तों यही बोलूँगा आप लोगों को कि किसी को भी हेट नहीं देना है, किसी को भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं करने हैं, देखो अपनी अपनी लाइफ होती है सबकी, कोई लोग डिप्रेशन में चला जाता है कोई क्या हो जाता है ना, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ किसी को भी कहीं पे भी नेगेटिव नहीं बोलना है,
बस जिसे प्यार से देखना है मेरी वीडियोस को, वो मेरी वीडियो को देख ले, जिसको लगता है कि वहाँ वीडियोस जो है वो अच्छी आ रही है और उनको सपोर्ट करना है तो उनको देख ले, पर प्लीज़ एटलीस्ट कोशिश करें कि गाली गलौज ना करें। दोस्तों आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो इंस्टा पर भी फॉलो करना बिल्कुल भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, भगवान के आपका समय शुभ हो, टेक केयर एंड बाय बाय।